वेलकम 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 हमारे चैनल लेट्स ईट में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी चने दाल की मिक्स सब्जी, कई जगह पे इसे कद्दू भी बोलते हैं। तो यहाँ पे तेल में जीरा, लाल मिर्च, तेज पत्ता का फोरन दिया हुआ है और ये चने दाल को भिगो के रखा हुआ है और ये आलू प्याज और लौकी जो कि धोकर कटे होके रखे हुए। अब इस चने दाल को इसमें मिक्स करके फ्राई करनी है, इसे फ्राई कर देना है। इसकी कलर थोड़ी सी चेंज होगी, फिर ये हो गई। अब इसमें आलू और प्याज, अभी बस आलू और प्याज ही मिलानी है और इसे फ्राई करना है। इसकी भी कलर चेंज होगी तो मतलब फ्राई हो गई, ये हो गई फ्राई, ये सही है। अब इसमें धनिया, जीरा, गोल मिर्च का मिक्स पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और ये हल्दी पाउडर, इसे डालकर इसे मिला देना है। घर की मसाला ही बेस्ट होती है। और इसमें टमाटर और अदरक लहसुन इसमें डाल के मिक्स कर देना है। और ये गर्म मसाला है, गर्म मसाला भी थोड़ी सी, इसे अच्छे से मिला देना है। अब आई लौकी की बारी, ये लौकी को मिला दो बढ़िया से ये, और इसे ढक के रखना है। फिर ये ओपन करने पे ये फिर नमक डालो, नमक छूट नहीं गया था, मतलब थोड़ा सा दिमाग से उतर गया था नमक, थोड़ा सा दिमाग से उतर गया था। अब इसे फ्राई करना है, फ्राई करना है और फ्राई करना है और इसे वेट करके फिर से फ्राई करना है। अब क्या करनी है, अब इसमें पानी डाल देंगे क्योंकि ग्रेवी वाली सब्जी बनने वाली है ना, तो पानी डाल के और अच्छे से इसे बॉईल करना है, मतलब पकाना है। अब इसे सीटी मरानी है, एक सीटी मर जाएगी, फिर देखना मर गई सीटी। ये इसका कलर जो चेंज हुआ, जब मसालेदार सब्जी लग रही है ये सही बनी है। ये रेडी हो चुकी है हमारी लौकी चने दाल की मिक्स सब्जी। तो आप भी घर पे ट्राई करना, इजी तो है। और हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना।